Dear student, today we are taking topic Indian entrepreneurs abroad. Growing food and other crops for the world market required capitals. If we are growing food and other crops for the world market, it required a huge capital. इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. लार्ज प्लांटेशन कुड बोरो इट फ्रॉम द बैंक्स एंड मार्केट, बट वाट अबाउट द हम्बल पीजेंट्स. बड़े प्लांटेशंस जो थे, दे कैन बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स एज वेल एज दे टेक अप मनी फ्रॉम द मार्केट. बट वाट अबाउट द हम्बल पीजेंट, बट जो हम्बल पीजेंट थे, जो पुअर पीजेंट थे, हाउ दे कुड अरेंज द मनी फॉर देयर क्रॉप्स. How they grow the crops for world market or even then for the market of their native place. Enter the Indian bankers. जब Indian bankers ने इसमें world market में enter किया, तो do you know of the Shikarpuri Seraphs and Nattu Kottai Chettiars? तो आपने जो है Shikarpuri Seraphs और Nattu Kottai चेटियास के बारे में सुना होगा. देवर अमंगेस्ट द मैनी ग्रुप्स ऑफ बैंकर्स एंड ट्रेडर्स. वह व्यापारियों और बैंकर्स के ग्रुप में से ही थे. टू फाइनेंस एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर्स, जो एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करने में फाइनेंस करते थे इन द सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया. सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में दे यूज ईदर देयर ओन फंड, या तो वो अपने फंड को जो सरप्लस मनी वो रखते थे उसको यूज़ करते थे, और दो जो बोरोड फ्रॉम द यूरोपियन बैंक, और या वो यूरोपियन बैंक से बोरो करते थे. दे हैड ए सोफिस्टिकेटेड सिस्टम टू ट्रांसफ़र मनी ओवर द लार्ज डिस्टेंसेज. और उनके पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था मनी को ट्रांसफ़र करने का ओवर द लार्ज डिस्टेंस, बड़ी बड़ी दूरियों पर. एंड इवन डेवलप इंडिजीनियस फॉर्म्स ऑफ कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने अपने आप को एक इंडिजीनियस कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे डेवलप कर लिया था. इंडियंस ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ऑल्सो फॉलोड यूरोपियंस कॉलोनाइजर्स इन टू अफ्रीका. इंडियन ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स जो थे वो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को अफ्रीका में भी फॉलो करते थे. हैदराबादी सिंध ट्रेडर्स हाउएवर वेंचर बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनी. और जो हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स थे, दे इन्वेस्ट देयर मनी बियॉन्ड द यूरोपियन कॉलोनीज. यूरोपियन कॉलोनी से बाहर भी जो है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते थे. फ्रॉम द 1860 से दे एस्टेब्लिश फ्लोरिशिंग एम्पोरिया एट बिजी पोर्ट वर्ल्ड वाइड. और 1860 से सिंधी हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स जो थे, दे स्टार्ट एस्टेब्लिशिंग देयर एम्पोरिया एट द बिजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड. जो पूरी दुनिया में जो बिजी पोर्ट थे, उन्होंने अपने मॉल टाइप में एम्पोरिया जो है एस्टेब्लिश कर दिए. और दे स्टार्ट सेलिंग द थिंग्स टू द लोकल एंड इम्पोर्टेड चीज़ टू टूरिस्ट. जो भी लोकल और इम्पोर्टेड चीज़ें होती थी वो टूरिस्ट को सेल करते थे. हुज नंबर वर बिगनिंग टू स्वेल, जिनके नंबर डे बाई डे इंक्रीज होते चले जा रहे थे. थैंक्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड कम्फर्टेबल पैसेंजर व्हीकल्स. और ये सब जो है जो सेफ एंड कम्फर्टेबल पैसेंजर व्हीकल्स थे, उनके डेवलपमेंट की वजह से हो पाया. वी से थैंक्स टू सेफ एंड कम्फर्टेबल पैसेंजर व्हीकल्स फॉर इंक्रीजिंग द टूरिस्ट दोज कम्स एट द पोर्ट.